नमस्कार, मैं तनु बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश की मुरैना से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत जनपद पंचायत कैलारस में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में महिलाओं बाल विकास के कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली बनाई गई एवं शहर के मुख्य मार्गों से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत के CEO MP सिंह द्वारा समस्त जनपद कर्मचारी महिला एवं बाल विकास के कार्यकर्ताओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1950 के विषय में बताया। साथ ही मतदाताओं को मतदान करते समय अपना पहचान पत्र साथ ले जाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में जनपद पंचायत के MP सिंह CEO, दीपक पटेल स्वच्छता मिशन अधिकारी, JS धाकड़ BO कैलारस, केशव शुक्ला BOC, रमाकांत शर्मा BAC, FB खान BAC, MD रजत BAC, महिला बाल विकास की प्रभारी प्रतिभा सोनी, पवन राजौरिया, सचिन शर्मा एवं जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारीगण व शहर के नागरिक उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। आज चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया, जो लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2019 में मतदाता जागरूकता के रूप में इसका आयोजन रैली वगैरह की गई। इसका उद्देश्य ये था कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोग पंचायत में ज्यादा रुचि लेते हैं, विधानसभा में उससे थोड़ा कम और लोकसभा में बहुत ही कम परसेंटेज रहता है, जबकि अपने जिले का यही स्थिति रही है पिछले लोकसभा चुनाव के। हमारी माननीय कलेक्टर महोदया द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें सभी मतदाता दिव्यांग से लेकर नवयुवक तक सुविधापूर्ण तरीके से मतदान कर सकें। जिनकी वोटर आईडी खो गई है, नष्ट हो गई है, उनकी वोटर आईडी निःशुल्क बनाई जा रही है। BLO के पास लोग आवेदन दें, BLO प्रतिदिवस अपने मतदान केंद्र में बैठते हैं, हर मतदान केंद्र में अच्छी सुविधा रहती है, रैंप से लेकर के उनको छाया और पानी की व्यवस्था भी, विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित करना हम लोगों का दायित्व है। जनता और कर्मचारी सभी से अपेक्षा है कि एक दूसरे को जानकारी देते हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं।